हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने यूट्यूब वीडियोस पर प्रोफेशनल थंबनेल लगा सकते हैं, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो बने रहें अंत तक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जितना ज़्यादा आपका प्रोफेशनल थंबनेल होगा, उतना ज़्यादा ही आपके वीडियो पर क्लिक्स आएंगे, और जितने ज़्यादा क्लिक्स आएंगे उतने ज़्यादा आपके चैनल पर व्यूज़ आएंगे, और जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे आपके सब्सक्राइबर काउंट भी उतने ही बढ़ेंगे, और इससे आपका चैनल भी ग्रो होगा। दूसरा बेनिफिट है, आपके वीडियोस पर जितने ज़्यादा प्रोफेशनल थंबनेल होंगे आपका चैनल उतना ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा, और आपका चैनल का बैनर और लोगो ये वो भी प्रोफेशनल है, तो आपके चैनल पर जो भी पर्सन आएगा वो ज़रूर जब सब्सक्राइब करके जाएगा और आपके बाकी वीडियोस को भी ज़रूर वॉच करेगा, तो जिससे आपका चैनल और ग्रो होगा। अब हम जान लेते हैं कि कैसे आप लोगों को अपनी वीडियोस पे थंबनेल लगाने हैं। तो साइड में स्क्रीन चल रही होगी, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कैसे कैसे मैं लगा रहा हूँ सिंपली आप देख देख के अपने वीडियोस पर थंबनेल लगा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कैसे आप लोगों का अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना है। सबसे पहले आपको जाना अपने स्मार्टफोन के ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर, डाउनलोड कर लेना है ऐप का पिक्सल ऐप। पिक्सल ऐप डाउनलोड करने के बाद कर लेते हैं सिंपली इसको ओपन। ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करके जाना है वाइट स्क्रीन पे। वाइट स्क्रीन के बाद जाने के बाद आप ऊपर देख रहे हो थ्री डॉट्स पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको जाना है इमेज साइज में। इमेज साइज में आपको यहाँ पर कस्टम दिख रहा है, कस्टम को क्लिक करना। यहाँ पर आपको जाना है YouTube थंबनेल में। YouTube थंबनेल के बाद इसको कर देते हैं हम सिंपली ओके। ओके करने के बाद आपको सबसे टॉप में प्लस आइकन मिल रहा है, उसको ओपन कर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको जाना है गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद आपको चूज़ कर लेना है आपके कस्टम थंबनेल के लिए फ़ोटोज़। फ़ोटो चूज़ करने के बाद आप इसका बैकग्राउंड लगाना है। बैकग्राउंड इसलिए बाद में लगाना है क्योंकि आप अपने फ़ोटोज़ को देख सकते हैं कि कौन सा बैकग्राउंड आपके फ़ोटो के ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए हमें जाना है फोर्थ आइकन पे। नीचे से सबसे पहले आएगा ऑप्शन कलर का, उसको दबाना है। उसके बाद आपको कलर चूज़ कर लेना है। मैं कर लेता हूँ ग्रेश। ओके कर देते हैं। इसके बाद आपको जाना है फोटो को टैप करना। टैप करने के बाद आपको फ़ोटो के ऊपर जाना है थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में आप स्क्रॉल करोगे आपको स्ट्रोक नाम का एक आइकन मिल जाएगा, सिंपली उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपको लगाना है स्ट्रोक, जैसे कि मैं लगा देता हूँ। डार्क ग्रे कलर, ओके करना है। ओके करने के बाद आपको सिंपली सेकंड ऑप्शन पे जाना है, प्लस करना है टेक्स्ट। टेक्स्ट करना है, इसके बाद हमें एडिट। एडिट के बाद हम लिखते हैं इसके ऊपर अपना जो भी आपका थंबनेल के ऊपर जो भी आपने लिखना है। मैं लिख देता हूँ हाउ टू मेक इसके बाद हमें स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं साइज नाम का ऑप्शन है, सिंपली उसको क्लिक करके इसका इमेज साइज बढ़ा देना है। 47 पे कर लेते हैं हम। ओके, इसके बाद हम कर देते हैं इसका कलर चेंज। कलर मैं कर देता हूँ ऑरेंज। ऑरेंज करने के बाद इसको कर देते हैं हम ओके। इसके बाद हम इसका कर देते हैं
फॉन्ट चेंज, फॉन्ट हम कर लेते हैं ये वाला, ओके। इसके बाद हमें जाना है बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में जाने के बाद इसको कर देते हैं इनेबल। इनेबल करने के बाद चूज़ कर लेते हैं हम अपना कलर, कलर में हम जाते हैं ब्लू, ब्लू कलर में। ब्लू करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा लेफ्ट पैडिंग का, सिंपली उसको कर देना हमने 10 पे। अब राइट कर देते हैं, राइट को भी कर देते हैं हम 10। उसके बाद आ जाएगा आपका टॉप पैडिंग, टॉप को कर देते हैं हम 5। अब बॉटम को भी कर देते हैं हम 5। इसके बाद आएगा रिड्यूस का, उसको कर देते हैं 5। सेवन ठीक लग रहा है। इसके बाद हम इस टेक्स्ट को कर लेते हैं एडजस्ट अपने हिसाब से, जैसे मुझे ऐसे ज़्यादा ठीक लग रहा है। इसके बाद हमें जाना है सेकेंड ऑप्शन में, सबसे लास्ट में आपको मिल जाएगा इनर शेडो, उसको क्लिक करना, अनेबल कर देते हैं। अनेबल करने के बाद चूज़ कर लेना हमने कलर, हाँ ये पर्पल ठीक लग रहा है, इसको कर देते हैं हम 8। ऑफसेट को कर देते हैं हम 10। ऑफसेट वाई को कर देते हैं हम 5। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा 50% थंबनेल अभी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें जाना है प्लस वाले आइकन पे, इसके बाद हम अत्य एडिट करके लिख देते हैं हम मेकर, अट्रैक्टिव थंबनेल, अट्रैक्टिव थंबनेल के बाद सेम प्रोसेस कर रहे हैं जैसे कि मैंने इसके अंदर करा है। आप इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपनी तरफ से भी कस्टम कर सकती हैं, इसको चेंज कर लेते हैं फॉन्ट। फॉन्ट चेंज करने के बाद कर लेते हैं चेंज हम इसका बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर आप खुद से भी बना कस्टम कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा हम यूज़ कर लेते हैं येलो। इसके बाद हम जाते हैं लेफ्ट पैडिंग पे 10, लेफ्ट और राइट 10, टॉप पैडिंग कर लेते हैं 5, बॉटम भी कर लेते हैं हम 5, रिड्यूस भी कर लेते हैं हम 7। इसके बाद हमें ऐड करना टेक्स्ट हाउ टू मेक अट्रैक्टिव थंबनेल। फॉर यूट्यूब कलर ऐड कर देते हैं इसमें, फॉन्ट चेंज कर देते हैं इसको, फॉन्ट हम यही वाला ले लेते हैं। इसके बाद जाते हैं हम बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड इनेबल करके बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं,
साइज बड़ा कर लेते थे थोड़ा सा। ठीक है, टॉप पैडिंग कर लेते हैं इसके 10, बोट राइट भी कर लेते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी कस्टम कर सकते हैं इसको। इसके बाद हम जाते हैं इनर शेडो में, ऐड कर लेते हैं इसमें कलर। ये अच्छा लग रहा है। इसके अंदर एक और टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, वीडियो। इसके अंदर भी कलर लगा लेते हैं हम, इसको साइज बड़ा कर लेते हैं पहले। कलर हम चूज कर लेते हैं, ये वाला अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम जाते हैं इसके फॉन्ट में, फॉन्ट चूज कर लेते हैं। फॉन्ट के बाद जाते हैं हम बैकग्राउंड में, सिंपली लेबल करके सेम प्रोसेस करते हैं। लेफ्ट पैडिंग 10, राइट 10, टॉप पैडिंग 5, बॉटम भी 5, रोटेस 7। सिंपली इसमें भी कर लेते हैं इनर शेडो हम अनेबल। इसके बाद हम कर लेते हैं इसके अंदर ऐड आइकन, प्लस वाले आइकन पे जाना है टॉप पे। गैलरी में जाने के बाद हम ऐड कर लेते हैं यूट्यूब का लोगो। इसके बाद हमें जाना है टैप कर लेना टेक्स्ट को। टेक्स्ट को टैप करने के बाद थर्ड ऑप्शन में जाने के बाद ड्राइंग नाम का ऑप्शन आएगा, सिंपली उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें कर लेना है कलर चूज, जैसे कि मैं कर लेता हूँ ब्लू कलर। इसके बाद हमें स्क्रॉल करके जाना है फिल इनसाइड, फिल इनसाइड करके आपको सिंपली ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। कलर चूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से।
जैसे कि आप देख सकते हैं आपका थंबनेल कितना प्रोफेशनल लग रहा है। सिंपली इसको हम कर देते हैं ओके। इसके बाद हमें प्लस वाले आइकन पे जाने के बाद गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद हम अपने चैनल का लोगो लगा लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपका थंबनेल बन के रेडी हो चुका है। सिंपली हम जाते हैं टॉप में और सेकंड आइकन को क्लिक करके कर लेते हैं सेम एज इमेज। उसके बाद हमें क्वालिटी में जाना है। क्वालिटी हमें सेव कर लेनी है, अल्ट्रा सेव टू गैलरी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपका वीडियो के लिए थंबनेल बन के रेडी हो चुका है। ऐसे ही आप सेम टू सेम कॉपी करके भी बना सकते हैं अपने लिए YouTube चैनल के लिए वीडियोस के लिए थंबनेल। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।